जो जिद्दी है वही जीतेगा। शतरंज में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, सामने वाला सोचता है कि वो जीत जाएगा। हर एक प्रयास करता है, चाल चलता है, अलग अलग किस्म से आपको घेरा बंदी करने की कोशिश करता है, मगर खिलाड़ी सिर्फ उस मैच में एक बार बोलता है, सिर्फ एक बार बोलता है और जीत जाता है, और वो बोलता है चेक एंड मेट। दोस्तों, शतरंज हमें सिखाती है कि जिंदगी में सामने वाला आपके खिलाफ जो मर्जी नीति अपना ले, जो मर्जी तरीका अपना ले, आपको ज़्यादा नहीं बोलना, आपको सिर्फ अपने पूरी गेम के मैच में सिर्फ अंत में बोलना है चेक एंड मीट। जीतने के बाद सिर्फ अपनी खुशी को बनाना है, मनाना है। हम में से बहुत सारे लोग ज़्यादा बोलते हैं, सोचते हैं हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा सोचने वाले लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, और कम बोलने वाले लोग कैसे होते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, एक मुकुल नाम का लड़का होता है, उसकी टी शर्ट्स बेचने की दुकान होती है, टी शर्ट बेचता है अपनी दुकान में, और अच्छी खासी सेल कर रहा था वो, कोई ये नहीं कि कोई गरीबी के आलम में था, अच्छी खासी सेल कर लेता था। मगर वो अपने कस्टमर्स को बोला करता था, मैडम ले लो, बहुत अच्छी शर्ट है, आपको इतना डिस्काउंट कर रहा हूँ। फिर सामने वाला बोलता था कि भाई इतने में नहीं, इतने में लेना है, तो कहता था नहीं नहीं मैडम, इतने में नहीं, इतने चलो इतने में ले लो। बार्गेनिंग करता था, उनको पटाने की कोशिश करता था, काफ़ी सारे ग्राहक ले जाते थे, मगर ऐसे ऐसे सिर्फ टी शर्टें बिक रही थी, जो वूपिंग सेल्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, वो नहीं हो रही थी। अब मुकुल परेशान था कि भाई मेरी सेल इतनी ज़्यादा क्यों नहीं हो रही, मेरी दुकान भी अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, परेशान, समझ नहीं आ रहा। चलो जी, उसके कुछ दिन बाद उसको लड़की देखने जाना था, और उसकी अपनी दुकान के बारे में उसकी बात हुई, लड़की के बाप ने पूछा कि भाई क्या करते हो बेटा और कैसे कैसे करते, कहता है मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ जी, टी शर्ट्स बेचता हूँ, ये वो, इतने साल हो गए काम करते करते, और पहले पापा बेचा करते थे, अब मैं बेचता हूँ, बहुत बढ़िया बिक्री है मेरी, इतने की सेल्स है, अपने अपनी बढ़ाइयाँ करने लगा। लड़की वालों को लड़का बहुत पसंद था, मगर अपनी कई सारी उसने इतनी बातें बोल डाली कि लड़की वालों को लगा यार ये इस लड़के में ना कुछ दिक्कत है, ये अपने आप को इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, और इसकी बातों से ये भी लग रहा है कि इसकी तरफ से तो हाँ है। अब लड़की के बाप ने लड़की से बोला तुझे क्या लड़का पसंद है, कहती हाँ मुझे लड़का ठीक ठाक लग रहा है, तो लड़की के पापा ने बोला बेटा वो बोलता बहुत है, वैसे उसकी तरफ से तो हाँ है, तू एक काम कर, तू और लड़के भी देख ले, अगर कोई और नहीं मिला तो इसको एक आध महीने रख लेंगे, और मिला तो इससे कर लेंगे, थोड़ा और दो तीन लड़के देख ले, मुझे तो ये लड़का थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, फ्रॉड सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ाई करता है, इसकी दुकान में देखना पड़ेगा, इसके बारे में जांचना पड़ेगा। और इसकी बातों से लगा कि ये अपने घर वालों से थोड़ा दूर दूर रहता है, और थोड़ा ये थोड़ा वो, ऐसे से करके उसके घर वालों ने, लड़की के बाप ने खूब सारी बातें उसके बारे में जानकर उसके बारे में एक प्रिसेप्शन बना ली, एक इमेज बना ली, उसके बारे में सोच लिया कि भैया ऐसा हो सकता है। वहाँ मुकुल अपनी रोज़मर्रा की तरह अपनी दुकान में काम करने लगा, टी शर्ट्स बिक तो रही थी, सेल्स तो रही थी, मगर एक की दो दुकानें नहीं बनी, टी शर्ट्स की जगह पैंट, जीन्स और बाकी सारे प्रोडक्ट्स उसने बेचने कभी चालू नहीं करे, दाल रोटी हो रही थी मगर मुर्गा नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद उसकी दुकान में लोग कस्टमर आते गए, और उनको भी वो बोलते गया ले लो जी ले लो, किसी कस्टमर को बिठा कर उसे बोलने लग जाता कि भाई ले लो, ये माल यहाँ का है, बहुत बढ़िया माल है जी, ऐसा माल तो मिल ही नहीं सकता, ये वो। और दिन बीतते गए, लड़कियों से भी मिला, और सब लड़कियों से रिजेक्ट करती गई, बड़बोलेपन की सीमा कुछ भी नहीं थी उसकी लाइफ में। अब वो बहुत परेशान होने लगा, यार सेल्स बढ़ नहीं रही है, लाइफ में कोई वाइफ भी नहीं मिल रही, करूं तो करूं क्या। अपनी मम्मी से डिस्कस करा, उसने बोला मम्मी मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, मम्मी कहती है तू बोलता बहुत है, कम बोला कर, तू कम बोलेगा ना तो ज़्यादा खुश रहेगा। उसको एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है, मुकुल सोचता है यार कम ही बोल के देखता हूँ ना एक बारी में। दुकान में अगले दिन नहा धो के पूजा पाठ करके फटाफट पहुंचा, और कस्टमर आए, कस्टमर को उसने कुछ नहीं बोला, जी ये इतने का है इतने का, उन्होंने बोला डिस्काउंट नो सर, फिक्स रेट, लेना लो नहीं लेना मत लो, ऐसा माल आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, चॉइस इज ऑल योर्स। कस्टमर उठ के चल दिया, अब उसको लगा भाई दिल की धड़कनें तेज, क्या करूं क्या ना करूं, कस्टमर तो उठ के चला गया, कस्टमर फिर मुड़ कर आया, इतने में देना है,
नहीं सर, नहीं देना। क्यों दूंगा सर, खरीद से कम में थोड़ी दे दूंगा। या आप देख लो आपको लेना है, ऐसा चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप सारे प्रोडक्ट देखिए अच्छे से, मेरी सारी की सारी टी शर्ट्स देखिए, लेना लेना आपकी मर्जी है। कस्टमर ने कहा ठीक है 5 पैक कर दो। उसने कहा वाह ये तो बढ़िया हो गया भाई, डेस्टिनी पलट गई, ऐसी लड़की पट गई जिसकी उम्मीद ना थी, ऐसी लड़की पट गई। उसने कहा मौज आ गई, अब तो सारे काम बन रहे हैं। अब वो फटाफट अपनी बाकी टी शर्ट्स वीशर्ट्स खूब बेचने लगा, खूब बैक टू बैक सेल, ट्रिपल चौपल। ज़्यादा बात करनी ही उसने बंद कर दी। फिर बात आई मीटिंग की। अब नेक्स्ट लड़की से मिला, लड़की के बाप ने पूछा बेटा क्या करते हो? मेरा टी शर्ट्स का बिजनेस है। अच्छा उसमें क्या करते हो, कैसे? बस जी बढ़िया चल रहा है, भगवान की दुआ है। लड़की के बाप को बहुत अच्छा लगा, कम बोला वो तो। लड़की का बाप सोचने लगा ये निश्चित तौर पर कोई होशियार बंदा है। लड़की के बाप ने फटाफट ओके कर दिया, लड़की से बात करी, लड़की से भी उसने ज़्यादा बात नहीं करी। लड़की भी सोचने लगी लगता है इसके पास खूब सारे लड़कियों का प्रपोजल है, लगता है इससे शादी करने की लड़कियाँ मरी जा रही हैं, इतना स्मार्ट बंदा है, देखो कैसे स्टाइल से बैठा है, कम बात करता है, बात तो बिल्कुल पते की करता है, जो भी करता है बड़ी ज़बरदस्त। और जब वो उसने मुँह खोला मुकुल ने, तो लड़की ढंग से सुनने लगी, कम बात करी, उसे बहुत अच्छा लगा। शादी 2 हफ्ते बाद ही शादी की डेट तय हो गई, बिजनेस डबल ट्रिपल होने लगा। 1-1.5 महीने के अंदर ही माल तो अच्छा बेचता ही था, टर्नओवर बढ़ गया। दोस्तों जिंदगी में जो लोग कम बोलते हैं, जो लोग कम बोलकर अपने काम को आजमाते हैं, काम को करते हैं, वो लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कम बोलने के 5 फायदे चाणक्य नीति में बताएं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़, आपका ज्ञान बढ़ता है। शायद आप जिससे बात कर रहे हो उसका ज्ञान आपसे ज़्यादा हो, हो सकता है आप कोई पते की बात सुन लें, हो सकता है कोई आपको अच्छी बात सुनने को मिल जाए। अगर आप कम बोलोगे तो लोग आगों की बातें आप समझ समझ के, कुछ समझ के, कुछ तो आगे ज़िंदगी में आपके काम आएगी। वेर ऐसा अगर आप अपनी बोलते रहोगे तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, आप कभी भी मूर्ख साबित नहीं होते। जो इंसान ज़्यादा बोलता है ना, वो हमेशा मूर्ख साबित होता है। वो हर बारी अपनी या तो बढ़ाई करेगा, या कोई अच्छी बात करने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिससे सामने वाला सोचेगा अरे कितना चहचह पहपह करता है, बिल्कुल नहीं पसंद। दोस्तों तीसरी चीज़ जो सबसे मेन है, जो चाणक्य नीति में भी बताई गई है, वो है पछतावा नहीं होता अगर आप कम बोलते हो तो। दोस्तों अक्सर हम ज़्यादा बोल के अपने सीक्रेट्स बता देते हैं। मेरी वाइफ से कल मेरा झगड़ा हो गया, मेरे पापा ने बचपन में मुझे बहुत मारा था, मेरे दोस्तों से मेरी बनती नहीं। सामने वाला सोचता है यार इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, इसको इज्जत दे के फ़ायदा क्या, इसके तो बेइज्जत किस्म का इंसान है। और यही होता है हमारे साथ, हम जब अपने सीक्रेट्स बता देते हैं। दोस्तों चौथी चीज़ है, जब आप कम बोलते हो तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा सोचते हो, और जब आप ज़्यादा सोचते हो तो आप सोच समझ कर ही बोलते हो और अच्छी बात बोलते हो। कम बोलो मगर अच्छा बोलो। दोस्तों पांचवी चीज़ है, आप लोग आपको पसंद करने लगते हैं जब आप कम बोलते हो तो। दोस्तों ये चाणक्य नीति मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।